गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट। आज हमारी इंग्लिश की क्लास है और हम एक नया लेसन स्टार्ट कर आज हम एक नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सेव द टाइगर। अब सेव द टाइगर, जैसे कि आप लेसन के नाम से ही समझ गए हो, सेव क्या होता है? किसी चीज़ को बचाना, ठीक है। किसी चीज़ को हम बचा रहे हैं और किसको बचा रहे हैं? टाइगर को। तो लेसन किसके बारे में? सेव द टाइगर एंड टाइगर को बचाने के बारे में लेसन में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट है। इन अ डीप फॉरेस्ट अ टाइगर सेट अलोन लुकिंग वेरी सैड। अब देखिए, जैसे कि आप मैं समझ गए, डीप क्या होता है? गहरा। डीप मीन्स गहरा और फॉरेस्ट मीन्स जंगल। इसमें जो शब्द आ रहे हैं उनको मैं साथ के साथ आपको बताती भी जा रही हूँ। डीप मीन्स गहरा ऑफ जंगल। अ टाइगर सेट अलोन लुकिंग वेरी सैड। एक टाइगर क्या बैठा हुआ था? बिल्कुल अकेला बैठा हुआ था और क्या था? बिल्कुल उदास था वो। अलोन मीन्स अकेला और सैड मीन्स उदास। एन एलिफेंट पास्ड बाय एंड सॉ द टाइगर। तो उसे टाइम क्या हुआ? एक एलिफेंट उसके पास से गुजरा। पास्ट क्या होता है? गुजरा। उसके पास से गुजरा एंड सॉ द टाइगर, और उसने टाइगर को देखा। ही स्टॉप्ड एंड आस्क द टाइगर। वो वहां पर क्या हुआ? रुका। स्टॉप मीन्स रुका। आस्क मीन्स पूछा। और उसने क्या किया? वो वहां पर रुका और टाइगर से पूछा, फ्रेंड व्हाट इज द मैटर। अब देखिए, आपका कोई दोस्त उदास होता है, आप उससे पूछते हैं ना कि क्या बात है। तो इसी तरीके से एलिफेंट ने टाइगर से पूछा, फ्रेंड व्हाट इज द मैटर, यानी क्या बात है। व्हाई आर यू लुकिंग सो सैड। तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? इसी तरीके से टाइगर ने बोला, आह द टाइगर सैड। टाइगर ने कहा, आई एम वेरी वरीड बिकॉज, मैं बहुत उदास हूँ। बिकॉज सम बैड, बहुत परेशान था वो क्या? बिकॉज सम बैड पीपल आर किलिंग अस फॉर अवर स्किन्स एंड क्लॉज। यानी कुछ क्या गंदे लोग हमें क्या कर रहे हैं? कुछ गंदे लोग हमें मार रहे हैं। किस लिए? हमारे स्किन के लिए, खाल के लिए और पंजों के लिए। अ लॉन्ग टाइम अगो देयर वर मैनी टाइगर्स इन द जंगल। बहुत समय पहले क्या था, इस जंगल में बहुत सारे टाइगर थे। बट सैडली बिकॉज ऑफ द क्रूअल पीपल, पर बहुत मतलब क्या, कुछ जो कठोर लोग होते, सख्त लोग होते, जो मतलब बिल्कुल ऐसे जिन्हें निर्दयी लोग, जिन्हें किसी के ऊपर कोई दया नहीं आती। क्रूअल मीन्स निर्दयी। क्या है ये? निर्दयी। अवर नंबर इज बिकमिंग लेस एंड लेस। पर कुछ मतलब ऐसे निर्दयी लोगों की वजह से क्या हुआ, हमें लगातार मारते जा रहे हैं, तो हम क्या होते जा रहे हैं, हमारी संख्या लगातार कम होती जा रही है, यानी हम गिनती में कम होते जा रहे हैं। देयर में कम अ टाइम व्हेन देयर विल बी नो टाइगर्स ऑन द अर्थ। अब क्या जो आने वाला समय जो होगा, जो समय अब आ रहा है, उसमें क्या होगा कि अर्थ पर, यानी पृथ्वी पर, अर्थ क्या होता है? हमारी पृथ्वी। पृथ्वी पर कोई भी शेर नहीं बचेगा। द एलिफेंट मूव्ड हिज ट्रंक फ्रॉम साइड टू साइड। तो एलिफेंट ने अपने ट्रंक को क्या किया? घुमाया। ट्रंक मीन्स जानते हैं आप, सूंड। किसको बोलते हैं? हाथी की सूंड, ठीक है। एंड रिप्लाइड सैडली, और उसने बिल्कुल उदास स्वर में, उदास होते हुए कहा, फ्रेंड वी आर ऑल्सो बींग किल्ड अवर टस्क। वी एनिमल्स आर अ पार्ट ऑफ अ नेचर। यानी कुछ लोग हमें भी मार रहे हैं, किस लिए? हमारे दांतों के लिए। इसका मतलब है दांत। वी एनिमल्स आर अ पार्ट ऑफ अ नेचर। हम एनिमल्स क्या है? हम भी नेचर के, यानी नेचर हमारी क्या होती है? प्रकृति। हम भी प्रकृति का एक हिस्सा हैं। एंड वंस वी डिसअपीयर द अर्थ विल लूज इट्स ब्यूटी। तो ये अर्थ क्या है, ये क्या खो देगी? अपनी सुंदरता खो देगी, क्योंकि हम इस नेचर के एक हिस्सा हैं और लोग हमें मारते जा रहे हैं। तो एलिफेंट ने उससे कहा, हाउएवर लेट अस चीयर अप बिकॉज सम गुड पीपल हैव बीइंग टू केयर फॉर अस एंड आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट अस। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? चीयर अप होना चाहिए, खुश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बिकॉज, क्योंकि क्या है? सम गुड पीपल, कुछ अच्छे लोग क्या करें? हैव बिगन टू केयर, हमारी क्या कर रहे हैं? हैव बिगन टू केयर फॉर अस, हमारी देखभाल कर रहे हैं। एंड आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट अस, और हमें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ह्यूमन बींग्स मस्ट रिमेंबर, यानी लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए? दैट फॉरेस्ट एंड एनिमल्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द अर्थ। कि फॉरेस्ट यानी जंगल और जानवर क्या है? अर्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, हमें उन्हें नहीं मारना चाहिए। तो इस कहानी से हमें क्या पता चल रहा है?
इस कहानी से हमें पता चल रहा है कि कुछ स्वार्थी लोग क्या होते हैं कि जानवरों की खाल के लिए, उनके दांतों के लिए उनको क्या कर रहे हैं, लगातार उनको मारते जा रहे हैं, उनका शिकार करते जा रहे हैं। तो ये गलत बात है ना, लेकिन कुछ वहीं पे कुछ अच्छे लोग हैं जो उनको सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस लेसन में हमने क्या पढ़ा, सेव द टाइगर। एक टाइगर के मन की बात पढ़ी, वो एलिफेंट से कैसे बोल रहा है कि कुछ लोग उन्हें मारते जा रहे हैं, तो एलिफेंट बता रहा है कि हाँ हमें भी मार रहे हैं पर कुछ अच्छे लोग हमें बचा भी रहे हैं। तो बच्चों ये वर्ड में मैं इनको बोल के आपको बता रही हूँ, आपने इन्हें कॉपी में करना है। फॉरेस्ट मीन्स जंगल, क्या होता है जंगल। अलोन मीन्स लोनली यानी अकेला, मैंने बताया भी था। सैड मीन्स अनहैप्पी उदास। वरिड इन ट्रबल, जिसको कोई परेशानी हो। अगो इन द पास्ट, तो ये आपको किस में करना है, इंग्लिश की कॉपी पे करना है, नीट एंड क्लीन करना है। क्वेश्चन आंसर मैं आपको इसके ग्रुप में सेंड कर दूंगी, कॉपी पे कीजिएगा, नीट एंड क्लीन कीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर बी है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स, अब इसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर बी है फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसमें क्या, फिल इन द ब्लैंक्स हमें यहाँ पे फिल कर रहे हैं। द टाइगर वॉज लुकिंग वेरी, टाइगर क्या था, उदास था, सैड, स्पेलिंग एस ए डी सैड। सेकेंड नंबर पर देखिए एन डैश पास्ड बाय, कौन गुजरा था उसके पास से, एलिफेंट। एलिफेंट की स्पेलिंग आती है ना ई एल ई पी एच ए एन टी, एलिफेंट। एलिफेंट गुजरा था उसके पास से, तो यहाँ हम लिखेंगे एलिफेंट। नंबर थ्री में देखिए द एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर, किसके लिए उसको मारा जाता है, उसके दांतों के लिए, मैंने बताया टस्क, तो दांतों के लिए टी यू एस के एस टस्क, दांतों के लिए। अब नंबर फोर्थ में देखिए डैश एंड डैश आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द अर्थ, कौन, एनिमल्स एंड फॉरेस्ट, ये दोनों ही अर्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमारा क्या था, फिल इन द ब्लैंक्स, आप कॉपी में करेंगे। क्वेश्चन नंबर सी है हमारा, राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। फर्स्ट वाला देखिए एन एलिफेंट सॉ द टाइगर, एलिफेंट ने टाइगर को देखा, सही है, ट्रू है ना, ये देखा था उसने, तो ट्रू लिखेंगे, टी लिखेंगे। द टाइगर वॉज वेरी हैप्पी, द टाइगर वॉज वेरी हैप्पी, टाइगर खुश था, नहीं वो उदास था, तो यहाँ क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे, क्योंकि फॉल्स स्टेटमेंट है। लॉन्ग टाइम अगो देयर वर मैनी टाइगर्स इन द जंगल, बहुत समय पहले बहुत सारे टाइगर यहाँ पर थे, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, क्योंकि थे ना, तो यहाँ पर ट्रू लिखेंगे, टी। एनिमल्स आर अ पार्ट ऑफ फॉरेस्ट ओनली, खाली एनिमल्स ही फॉरेस्ट का पार्ट होते हैं, नहीं, नदियाँ पेड़ पौधे झरने सभी फॉरेस्ट का पार्ट होते हैं, तो ये क्या स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, ये ट्रू एंड फॉल्स है, ये भी कॉपी में करेंगे। और क्वेश्चन नंबर डी है, हु सेड दीज वर्ड्स, ये किसने कहे थे शब्द, व्हाट इज़ द मैटर, किसने कहा था, एलिफेंट ने पूछा था ना टाइगर से कि व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, एलिफेंट। सेकेंड नंबर क्या है, वी एनिमल्स आर अ पार्ट ऑफ नेचर, ये भी किसने कहा था कि हम जानवर भी ये नेचर का एक हिस्सा हैं, ये भी एलिफेंट ने कहा था, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, एलिफेंट करें। ये है हमारा